दोस्तों बेंगलुरु में चल रही आईपीएल 2022 ऑक्शन का समापन हो चुका है। सभी 10 टीमों ने अपने स्क्वाड पूरे कर लिए हैं। हर टीम के लिए ये ऑक्शन बेहद अहम था क्योंकि सभी को नए सिरे में से एक संतुलित टीम खड़ी करनी थी, लेकिन गुजरात टाइम्स ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अपने पहले ही आईपीएल में ऐसी खतरनाक टीम तैयार की है जिसे देखकर बाकी टीमों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे गुजरात टाइम्स टीम का पूरा खतरनाक स्क्वाड। इस बार कौन कौन से धाकड़ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे, तो पूरी टीम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइम्स ने दमदार खिलाड़ियों से भरी पूरी फौज तैयार कर ली है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में ये टीम इतनी बेहतरीन दिखाई दे रही है कि ये पहले ही सीजन में अगर कमाल का प्रदर्शन करे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। टीम ने राशिद खान, सुमन गिल जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी बड़े मैच विनर है। इनके अलावा टीम ने बेहतरीन तेज गेंदबाज, स्पिनर्स और अच्छे बल्लेबाज खरीदे हैं। गुजरात ने गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया। मोहम्मद शमी को टीम ने 6.15 करोड़ रुपए में खरीदा। वही ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को इस टीम में 9 करोड़ रुपए दे दिए, जबकि आर साई किशोर के तौर पर एक अच्छा स्पिनर गुजरात को मिला है और लॉकी फर्गुसन तो अपने आप में ही दहशत का दूसरा नाम है। वही टीम ने जयंत यादव, विजय शंकर, अलजारी जोसेफ और मैथ्यू वेड जैसे खिलाड़ी भी स्क्वाड में चुने हैं। जेसन रॉय जैसा विस्फोटक ऑलराउंडर महज 2 करोड़ में खरीदकर गुजरात टाइम्स से बेहतरीन डील हासिल की। टीम ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को भी 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि इस सीजन में के तुरुफ के इक्के साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुजरात की फाइनल टीम। कप्तान हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, जेसन रॉय, मैथ्यू वेड, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, रिद्धिमान शाह, अलजारी जोसेफ, वरुण आरोन, जयंत यादव, यश दयाल, अभिनव मनोहर, आर साई किशोर। तो दोस्तों ये खिलाड़ी है गुजरात की टीम जो इस बार हार्दिक पांड्या के अगुवाई में खेलेगी। अब देखना है क्या पांड्या गुजरात को खिताब दिला पाते हैं या नहीं।